जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में, जिसमें कि आप लोग MTS टैक्स इंस्पेक्टर टैक्स असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज, अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे और जानेंगे कि इसमें आपके 72 पद निकाले, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर टैक्स असिस्टेंट और MTS की पोस्ट पर निकाले गए हैं। 10वीं या डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप लोग इस फॉर्म को 6 फरवरी 2023 तक भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, क्या सैलरी मिलेगी, ये आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। एंड जो आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, वो कौन से गेम्स के अंदर होनी चाहिए, वो यहां पर आपको मेंशन किए गए हैं। और स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जो कि मैंने इसके बारे में बनाई थी डिटेल्ड जानकारी को लेकर के, तो आप ये वीडियो वॉच करके और भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी समझ सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर अपनी जो डिटेल्स है फॉर्म फिल करने की, वो फिल करनी है। जैसे कि यहां पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, जो भी आपका फोटो है पासपोर्ट साइज कलर का, वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए एंड जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहां पर मैं एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं एज डेमो। तो जहां पर आपकी फाइल है आप वहां पर जाइए, फाइल सेलेक्ट कीजिए और इस प्रकार से ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद में आपको बोला कि आपके फोटो का साइज 30 KB से कम रहना चाहिए। मेरी इस फाइल का साइज ज्यादा था, इसलिए मैं यहां पर एक ऐसा फोटो सेलेक्ट करता हूं जिसका साइज 30 KB से कम हो, तो फोटो यहां पर आपका इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर आता है कि पोस्ट अप्लाइड, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप तीनों पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप पहली प्रेफरेंस किस पोस्ट को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं पहली प्रेफरेंस यहां पर देता हूं जो MTS की पोस्ट है इसको, और फिर सेकंड प्रेफरेंस मैं यहां पर देता हूं टैक्स असिस्टेंट को, और थर्ड प्रेफरेंस मैं देता हूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को। तो आप इस तरह से इन प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का क्या नाम है, कैंडिडेट का नाम आपको यहां पर एंटर करना है। फिर कैंडिडेट की ईमेल आईडी आपको देनी है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद में जो फादर नेम है कैंडिडेट का, वो आप यहां पर फिल करेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, यानी कि जो कैंडिडेट है उसके फादर का ऑक्यूपेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। फार्मर है, टीचर है, क्या है, उनके बिजनेस का आपका यहां पर डिटेल देना है। अब आता है आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप अवेलेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप अप्लाइड फॉर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास है तो आप अवेलेबल के ऊपर क्लिक करके जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से आप पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है, एंड देन यहां पर जो आपकी डे है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहां पर वर्ड्स के अंदर आपकी जो DOB है वो एंटर करनी है। आपको बोला एज पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी TC है उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी DOB देनी है इन वर्ड्स। जैसे कि आप यहां पर लिखेंगे 02 और इसके बाद यहां पर है 05, तो 0, तो इस तरह से बेसिकली आपको आपकी DOB यहाँ पर लिखनी है। फिर आता है एज आपकी कितनी हो जाती है 1 अप्रैल 2022 तक, तो आपकी एज यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 तक कितनी होती है वो आपको यहाँ पर ईयर लिखना है, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। आपको आपकी एज कैलकुलेट कर लेनी है 1 अप्रैल 2022 तक, और फिर यहाँ पर उसको लिखना है। जेंडर आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है विद पिन कोड और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि आपको आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर देना है, और बाद में आपको जो पिन कोड है वो भी देना है, और साथ ही जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी आपको देना है। अब आते हैं प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ऊपर जो आपने भरा वो है आपका परमानेंट और नीचे है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो आप यहां पर जो आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है वो फिल कर देंगे। अगर सेम है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा ऊपर वाला एड्रेस फिल करके, फिर आपको ये दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 पॉइंट आता है नेशनलिटी का, तो नेशनलिटी में आप इंडियन लिख देंगे। ये लिखने के बाद आता है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट, तो आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, किस स्कूल या फिर बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है,
किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी वो आप लिखेंगे, डिवीजन आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेंड यानी कि कितने नंबर आपको आपकी दसवीं के अंदर आए थे वो नंबर के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर जो आपकी परसेंटेज थी वो परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर CGPA भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर अगर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन या डिग्री की इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर एड रो के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप सेम तरीके से यहाँ पर एग्जाम पास्ट के अंदर 12th लिख देंगे और बोर्ड के अंदर आपके बोर्ड का नाम देंगे जहाँ से आपने 12वीं की है, किस साल के अंदर की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, डिवीजन आपको यहाँ पर अपनी एंटर करनी है कितने नंबर आए थे वो लिखना है और परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड अगर आप डिग्री की इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते तो आपने की है और आप तो आप यहाँ पर एड रो पर क्लिक करेंगे, एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर जो आपके पास क्वालिफिकेशन है जैसे कि BA BSc जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है, किस साल के अंदर पास की है वो लिखना है, डिवीजन आपकी क्या थी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे वो लिखना है और परसेंटेज आप यहाँ पर अपनी लिख देंगे। फिर आता है डिसिप्लिन स्पोर्ट्स, आप कौन से स्पोर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कौन से स्पोर्ट्स के माध्यम से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अगर मैंने जैसे कि क्रिकेट सेलेक्ट किया तो क्या बैट्समैन था, स्पिनर या फिर ऑलराउंडर, जो भी आपका डिसिप्लिन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जैसे कि अगर आप यहाँ पर एथलेटिक्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको बोला कि 100 मीटर के अंदर है 200 मीटर के अंदर यानी कि जो उसके सब डिसिप्लिन है वो आ जाएंगे आपके गेम्स के अकॉर्डिंग, तो जो भी आपका यहाँ पर गेम है वही आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसका जो स्टेटस है वो भी आपको बताना है। अब आता है 8th पॉइंट, एज पर द नोटिफिकेशन मेंशन द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2019 to 2022, यानी कि जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपसे मांगी है वो आपकी 2019 से 2022 के बीच में रहनी चाहिए, तो आपके पास कौन सी अचीवमेंट है जो कि जिसके माध्यम से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और उस अचीवमेंट के बारे में आपको यहां पर लिखना है, तो आप यहां पर आपकी अचीवमेंट लिख देंगे और फिर आपको यहां पर बोला है कि प्लीज सेलेक्ट फॉर्म 2, 3, 4, 5, 6। ये फॉर्म क्या है, ये बेसिकली वो फॉर्म है कि जैसे कि अगर आप यहां पर हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो इनमें होनी चाहिए। अगर आप यहां पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें जानकारी मिलेगी कि कौन से जो आपका लेवल का सर्टिफिकेट है उस लेवल पर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है, तो जिस भी लेवल से आप क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं और फिर जो उस पर फॉर्म एप्लीकेबल है वही फॉर्म नंबर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। अब ये फॉर्म चाहिए आपने खुद से भरा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपके पास नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपके पास वो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप यहां पर जो ऑफिशियली आपको मिला है अथॉरिटी के द्वारा वही आप यहां पर दे देंगे। फिर आता है 8th पॉइंट, करंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन 2022, 2021, 2020 एंड 2019, तो यहां पर जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो आपको देनी है कि 2022 के अंदर थी आपकी या फिर 2021 या फिर 2020 या 2019, तो कौन सी अचीवमेंट के माध्यम से आप इस पर अप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी आपको अचीवमेंट मिली है इन ईयर के अंदर या फिर किसी एक ईयर के अंदर वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क हो सकता है, अगर कोई भी मार्क नहीं है परमानेंट तो आप 9 मार्क यहां पर लिख देंगे। इसके बाद में यहां पर आता है नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप उसकी जानकारी देंगे नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ इंक्लोजर, तो यहां पर है कॉपी ऑफ फॉर्म फर्स्ट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये वो आपका सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से आप एलिजिबल हुए अप्लाई करने के लिए फॉर्म फर्स्ट या फिर फॉर्म जो भी है फॉर्म नंबर, अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है यानी कि फॉर्म आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से फिल करा करके साइन करा करके अपलोड नहीं किया है और आपका जो रियल सर्टिफिकेट है वही आपने अपलोड किया है तो फिर आप वही सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड कर देंगे। मेरिट सर्टिफिकेट जो आपका है वो आप यहां पर अपलोड करेंगे, जो आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर देंगे, अगर आपके ऊपर ये नहीं लागू हो रहा है मेरिट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। जो फॉर्म डाउनलोड है वो आप यहां पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपके सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहां पर है फॉर रिप्रेजेंट इंडिया इज एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इन वन ऑफ दी रिकॉग्नाइज्ड गेम स्पोर्ट्स, यानी कि जो आपका गेम्स है वो आपने जो खेला है और उसको आपने रिप्रेजेंट किया है इंडिया फिर या फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर, तो फिर आप ये फॉर्म फिल करके यहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद है फॉर्म 2 की जानकारी, तो फॉर्म 2 अगर आपने करा है तो फॉर्म 2 यहां पर आपको डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म 3, तो बेसिकली जिस भी फॉर्म से आपने एलिजिबल हुए हैं अप्लाई करने के लिए वही फॉर्म आपको यहां पर अपलोड करना है। इसके बाद यहां पर आता है
कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका डिग्री का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। दसवीं का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, पैलेस के जगह पर आपने कहाँ से फॉर्म को भरा है उस पैलेस का नाम आप देंगे। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और फिर आप यहाँ पर बोला है कि बेसिकली ये आपको सिग्नेचर का अपलोड करने का ही जगह दिया है। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे तो आपकी फाइल आ जाएगी। अब आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पर फिर से कुछ ऐसा ही पेज देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा आपको आपकी ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन ईमेल सेंड की जाएगी जहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू होगा, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसकी जानकारी होगी और उसका पीडीएफ भी दिया गया होगा। आप ईमेल से आपके फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।